आज हमें थोड़ा सा वो भी पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। इंशाल्लाह नया टॉपिक है तो उसको स्टार्ट करेंगे। जी, आप कह रहे हो कि भाई हमारे पास क्या है, 10:56 है, तो 10:56 को आपने ब्रेक कर दिया। किसमें ब्रेक करा? 45 45 प्लस 11 में। वेरी गुड। 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? 10a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है जी, बताइए ना? बताते हो नहीं? बताओ क्या कर रहे हैं लोग। 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। टेन फोर्टी फाइव क्या होता है भाई? वन होता है, तो 1 प्लस 10 11 अपॉन 1 माइनस 10 11, 10:45 बन जाएगा। बट हमारे पास तो कॉस 11 और साइन 11 है, अब क्या करें? साइन टेन को साइन ऑफ कॉस में चेंज करते हैं। वेरी गुड। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कर सकते हैं साइन बाई कॉस। यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस साइन बाई कॉस। और अब हम ले सकते हैं एलसीएम। अगर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा कॉस 11 एंड कॉस 11 प्लस साइन 11। और इधर हम क्या करेंगे? कॉस 11 एंड कॉस 11 माइनस साइन 11, ये कैंसिल हो जाएगा। cos 11 plus sin 11 and cos 11 minus sin 11। ये क्वेश्चन जामिया बीटेक में आ चुका है, आईआईटी में आ चुका है, डिप्लोमा एंट्रेंस में आ चुका है। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि क्या मैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकता हूँ? ट्रिग्नोमेट्री यही है, जब आपके पास फॉर्मूले आ जाएं तो आप अलग अलग तरीके। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। देखो इसे हम क्या करेंगे, इसको हम ये भी कर सकते हैं, यही करना है बेटे। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एंगल से आपको सोचना है कि भाई अगर आपके पास क्या है, आपके पास है कॉस 11 प्लस साइन 11 और आपके पास राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है 10। तो कोशिश करते हैं। अच्छा, कॉस सी प्लस साइन डी कोई फॉर्मूला होता नहीं है, तो कॉस सी प्लस साइन डी फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ। तो हम क्या कर सकते हैं, कॉस से डिवाइड कर सकते हैं न्यूमरेटर को भी और डेनोमिनेटर को भी। अगर आप सोच सकते हैं तो ऐसे ही सोच लीजिए कि भाई हम इसको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, इसको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं, इसको कॉस से डिवाइड कर रहे हैं और इसको भी कॉस से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर कॉस से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 10 11 आ जाएगा और ये 1 माइनस 10 11 आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है जी। अगर 1 प्लस 10 11 और 1 माइनस 10 11 आएगा तो हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे इस 1 को तो 1 ही कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम एक 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो इस 1 को हम ले सकते हैं 10:45। तो 10:45 प्लस 10 11, अच्छा 1 माइनस इस 1 को भी हम 10:45 कंसीडर कर सकते हैं और ये हो जाएगा 10 11। अब यहाँ लगेगा 10a plus b का फॉर्मूला, ये हो जाएगा 45 plus 11। रिवर्स प्रोसेस ही समझ लीजिए चाहे तो, ये हो जाएगा 10 56। तो अच्छा है अगर आप दोनों साइड से क्वेश्चन को समझ लिया करें। तो समझ में आ गया या नहीं आया? हाँ भाई, सब बच्चों को समझ में आ गया जी? गुड, यस सर। वेरी गुड। चलो जी, देखो
हमारे पास क्या है, हमारे पास एक क्वेश्चन और था, ये वाला क्वेश्चन था, पहले इसको करेंगे फिर उसे करेंगे। बहुत इजी था तो शायद अगर आपको समझ, डिपेंड फॉर्मूले पे ही करेगा ये क्वेश्चन, तो बताओ इसमें हम क्या करेंगे। इस बच्चे ने किया है, हमने किया है जी भाई, हमारे पास क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है 2 sin a cos a and that is sin 2a, yes नहीं बेटे, 2 sin a cos a is sin 2a, ठीक है, ये हमारे पास। अच्छा आप 2 sin a cos b की बात कर रहे हो जी, यस सर, हाँ उससे भी कर सकते हो, उससे भी कर सकते हो, यहाँ पे cos a तो हमारे पास सेम आ ही नहीं रहा है, सही कह रहे हो, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है बताओ, 2 sin a cos b, हाँ तो बताओ क्या होता है 2 sin a cos b, sin a plus sin a minus b, sin a cos b is equals to क्या होता है, sin a plus b plus sin a plus b plus sin a minus b। अब यहाँ एक चीज सब बच्चे ध्यान से देख लो, ये मैं हमेशा कहता हूँ आपको, फिर दोबारा से कह रहा हूँ, अच्छा ये है कि आप बड़े वाले एंगल को कंसीडर करो ए और छोटे वाले एंगल को कंसीडर करो बी, क्योंकि अगर आप इस टाइम फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो एक जगह माइनस आएगा, अगर माइनस का फॉर्मूला आपको पता है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, अदरवाइज कुछ बच्चों को माइनस से प्रॉब्लम होती है, जैसे पहले मैं इसको डायरेक्ट ऐसे ही अप्लाई कर रहा हूँ जो आपने बताया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ए हमारे पास हो गया 15 और बी हमारे पास हो गया 75, तो ये आएगा बेटे साइन ए प्लस बी, और फिर आप कह रहे थे प्लस साइन ए माइनस बी, तो देखो यहाँ जब माइनस करोगे ना तो ये माइनस में आएगा, तो ये तो हो जाएगा साइन 50 प्लस 75 कितना हो गया 90 प्लस, और 50 माइनस 75 हो जाएगा -60, तो कुछ बच्चों को ये साइन माइनस थीटा से प्रॉब्लम होगा, तो अगर साइन माइनस थीटा से आपको प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तो कोई टेंशन नहीं, जैसे चाहे आ जाए, अदरवाइज हमेशा लार्जर एंगल को पहले आप कंसीडर कर लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी। कोई मुझे बच्चा बताएगा साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, तो हमारे पास यहाँ से साइन साइन 90 हमारे पास आ जाएगा 1, पहले से साइन 90 लिख लेते हैं, और ये आ जाएगा माइनस साइन 60, तो साइन 90 इज 1 एंड माइनस साइन 60 इज व्हाट, रूट माइनस अंडर रूट 3/2, तो आपके पास आंसर क्या आ गया 2 माइनस रूट 3/2, ये हम बस, ठीक है जी। लेकिन अगर आपने कुछ थोड़ा सा इसको ऐसे कंसीडर किया होता 2 sin 15 cos 75, मैं आपसे कह रहा हूँ लार्जर एंगल को पहले मान लीजिए, 2 cos 75 sin 15, तो ये हो गया 2 cos a sin b, पहला cos तब आता है जब माइनस होता है, फॉर्मूला वही आएगा जब माइनस होता है, तो sin a plus b minus sin a minus, जब साइन को माइनस करते हैं तब ये फॉर्मूला लगता है, तो कॉस तब आता है, तो आंसर अभी भी वही आना है साइन 60 साइन 90, लेकिन अब माइनस बाहर आ गया, माइनस साइन 60, 1 minus root 3/2 is 2 minus root 3, तो हमारा आंसर सेम रहेगा बट फॉर्मूला थोड़ा सा हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि अब हमें साइन माइनस थीटा नहीं चाहिए। अब देखो जो लास्ट वाला क्वेश्चन है उसमें भी दो तरीके से आप कर सकते, दोनों मेथड देखो, देखते हैं क्या क्या मेथड हो सकते हैं। हाँ भाई, किसी एक बच्चे ने किया इसको सॉल्व? यस सर। कैसे किया बताओ? तो पहले साइन 30 की वैल्यू 1/2 लिया और पूरे इक्वेशन को
2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई किया लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है बेटे, साइन 10 है, साइन 30 है, साइन 50 है, साइन 70। अगेन अगर आप चाहें तो साइन 30 का तो आप वैल्यू रख दीजिए 1/2। अब आपके पास रह गया साइन 10, साइन 50 एंड साइन 70। अच्छा ये है कि अगर आप इन्हें लार्जर एंगल को पहले ले लें, साइन 70, साइन 50, साइन 10। अब क्या करें शाइन बताओ, या ऐसे करें या जैसे आपने किया था वैसे करें? आपने किया था असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं किया? आप बताओ मुझे, मैं पहले किसको लिखूं? कोई बात नहीं, बताओ किसको लिखूं पहले, 2 से मल्टीप्लाई करूं और 2 से डिवाइड करूं? तो नेक्स्ट क्या लिखूं, साइन 10 और साइन 50 और साइन 70। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। और 2 का आपने लगाया फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगाया आपने? 2 साइन ए साइन बी, जिससे कॉस a plus b minus cos x a minus b। जी, तो आपके पास आएगा जब दोनों साइन तब आते हैं, ध्यान रखिए, लेकिन यहाँ तो माइनस तो है नहीं साइन, जब हम कॉस को माइनस करते हैं, प्लीज सब बच्चे ध्यान से देख लीजिए, अगर हम कॉस को माइनस करेंगे तो दोनों साइन आएंगे, 2 साइन ए साइन बी, लेकिन वो भी माइनस में आते हैं, तो यहाँ माइनस नहीं है। अगर माइनस नहीं है तो यहाँ से माइनस हटा दीजिए और इधर माइनस चेंज कर दीजिए। तो एक तरीका तो ये है, आप ये कर सकते हो cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ये हम कर सकते हैं। आपने कैसे किया था? माइनस का डॉट। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास आ गया cos a माइनस b, तो a माइनस b एंड माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये हमारे पास हो गया। और ये साइन 70 एज इट इज। अच्छा, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1/4 कॉस 10 माइनस 50। क्या हो गया भाई, कॉस 10 माइनस 50 हो गया माइनस 40, और ये कितना हो गया भाई, कॉस 60, और ये क्या आ गया भाई, साइन 70। अब क्या करें साइन, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, इस साइन 70 का क्या करूं, सो वो भी रहेगा, ये कॉस 40 भी चेंज हो जाएगा, कॉस 40 मतलब कॉस माइनस की जगह कॉस क्या हो जाएगा, कॉस 40। अच्छा, ये हो जाएगा कॉस 40। अच्छा ये है, अगर कुछ बच्चों को नींद आ रही है तो मेरे साथ साथ लिख लिया कीजिए, cos 60 कितना होता है भाई, 1/2। अब क्या करें, सो 1/4 को वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कैसे, और sin 70 को भी 1/4 को कैसे करें डिस्ट्रीब्यूट, सॉरी sin 70 को करेंगे, cos 40 sin 70 माइनस sin 70 अपॉन 2, 1/4 sin 70 से मल्टीप्लाई कर दें, है ना, cos 40 sin 70 माइनस 1/2 sin 70, ऐसे करना है? Yes sir। अब क्या करें, सो फिर 1/4 को मल्टीप्लाई किया इनसे मल्टीप्लाई cos 40 sin 70 माइनस 1/8 sin 70, ठीक है, चलो कर लेते हैं, हम आपकी बात मान लेंगे, cos 40 sin 70 1/8 sin 70। अब क्या करें, अब क्या करें बेटे, चलो ध्यान से देखिए, चलिए
कोई बात नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम साइन 70 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो चीज कॉमन है अभी उसे कॉमन ही रहने दीजिए, 1/4 हमारे पास एज इट इज रहेगा, और हम क्या करेंगे साइन 70 कॉस 40 माइनस 1/2 साइन 70, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगेन आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करिए, क्योंकि आपके पास जो फॉर्मूला आना है वो 2 साइन ए कॉस बी ही होता है, तो अब यहाँ आप क्या अप्लाई करोगे फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी। अब बताओ 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है, हाँ भाई 2 sin a cos sin a plus b plus sin a minus b, पहला sin है दूसरा cos है, तो sin का फार्मूला आएगा, और अगर फर्स्ट sin है तो प्लस होता है, फर्स्ट cos है तो माइनस होता है, तो sin का फार्मूला है। अब दूसरी बात क्या है, यहाँ भी 1/2 है और यहाँ भी 1/2 है, तो ये आप कॉमन ले सकते हो, तो अगर ये कॉमन लोगे तो बाहर आ जाएगा 1/8, और यहाँ अप्लाई होगा 2 sin a cos b, सबके सब बच्चे मैंने कहा ना कि पेन चलाते रहो तो शायद नींद भाग जाए वरना बोर हो जाओगे, तो 2 sin a cos b क्या होता है साइन ए प्लस बी 70 प्लस 40, ठीक है, और प्लस साइन ए माइनस बी 70 माइनस 40, और माइनस का साइन 70, ये हमारे पास है। अब बताओ मुझे साइन 70 प्लस 40 कितना होता है, साइन 110, और 70 माइनस 40 कितना होता है भाई, साइन 30, और साइन 30 कितना होता है 1/2 sin 70 को क्या बच्चों cos में चेंज कर सकते हो, आप किसी एक को चेंज करना है, sin 110 को कर लो चाहे sin 70 को करो, sin 70 को बेटे आप लिख सकते हो sin 90 नहीं मुझे 180 माइनस 110, ठीक है 180 माइनस 110, तो sin 110 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा sin 70 को sin 110 में आप लिख सकते हो। अब होगा क्या, sin 110 माइनस का है और sin 110 प्लस का है, तो बाहर है 1/8 अंदर है 1/2, तो आंसर कितना आएगा 1/16। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड है 2 sin a sin b, थोड़ा सा लेंथी हो गया इस मेथड से, अभी एक मेथड और लेंगे, ठीक है सर, देखो दूसरा मेथड देखो, बस इसमें ये है कि 2 sin a sin b या 2 sin a cos b या 2 cos a sin b का फॉर्मूला चलाते रहना जब तक चलता रहे। दूसरा मेथड ये है, और तब आपको क्वेश्चन दूसरी शक्ल में भी मिल सकता है, एक बहुत बड़ी वर्कशीट मैंने आपको भेजी भी है उसी के ये क्वेश्चंस हैं, तो जितनी आप प्रैक्टिस कर सके जितने अलग अलग तरीके से आप सोच सके, देखो ज्यादा ध्यान से आप सब बच्चे, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ और लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास मैं असेंडिंग ऑर्डर में ही कर रहा हूँ, साइन 70 साइन 30, या पहले तो फिलहाल कुछ जरूरत ही नहीं है असेंडिंग डिसेंडिंग की, तो साइन 50 साइन 30 साइन 10, अगर मैं साइन 70 को कॉस में चेंज करूं तो क्या आएगा, कोई बता सकता है, साइन 70 को मैं कॉस में चेंज करूं कोई बता सकता है क्या आएगा, साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ध्यान रखना, तो अगर साइन को चेंज करना है तो कॉस 90 में से माइनस करके लिख दो अपने आप ही, मतलब साइन 70 हमेशा कॉस 20 के इक्वल होगा, ठीक है, साइन 50 हमेशा कॉस 40 के इक्वल होगा जिनका सम 90 हो जाए, साइन 10 हमेशा कॉस 80 के इक्वल होगा, ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ चेंज कर दो, तो साइन 70 हो जाएगा कॉस 20, साइन 50 हो जाएगा कॉस 40, और साइन 10 हो जाएगा कॉस 80, और साइन 30 हो जाएगा 1/2, ये वाली बात सबको समझ में आ गई, यस सर, हाँ जी, जिसको नहीं आई पूछ लीजिए, मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई, यस सर आ गई, अरे और भी तो बहुत है दुनिया हमारी, आप अकेले थोड़ा ही रमीन शाहीन, हाँ भाई आयान दानियाल लिपाशी अयूब असद, यस सर समझ आ गई, ठीक है बेटे, दूसरा मेथड कर रहे हैं, इजी लगेगा, थोड़ा इजी लगेगा आपको, तो ये 1/2 तो एज इट इज, अब जरा ध्यान से देखते चले जाओ, मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और साइन 20 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 2 sin 20 से डिवाइड कर रहा हूं, और मेरे पास है यहां पे cos 20, और मेरे पास है यहां पे cos 40, और मेरे पास है यहां पे cos 80। तो क्या कोई बच्चा मुझे बताएगा कि 2 sin है, cos है, क्या फार्मूला होता है? 2 sin है, cos है, अभी 2 sin a cos a क्या फॉर्मूला होता है? अभी यूज भी किया था ऊपर sin 2 sin. क्या होता है 2 sin a cos a? sin 2 a sin 2 a. तो यहां a कितना है हमारे पास? 20 degree 20. तो 20 का डबल क्या हो जाएगा? 40. तो नीचे क्या आ चुका? 2 2 जा कितना हो चुका नीचे? 1/4 sin 20, ठीक है, और ऊपर हमारे पास आ गया sin 40. तो आगे बचा कौन? आगे बचा cos 40 और cos 80, ठीक है सर? यहां तक अगर हम फिर दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड करें, तो बताओ मुझे 2 sin है, cos है, क्या हो जाएगा? हां भाई, 2 sin है, cos है, क्या हो जाएगा? sin 2 ठीक है, तो sin 40 का डबल कितना हो गया? sin 80, और नीचे कितना हो गया? 4 2 जा 8, तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा 1/8 sin 20, और ऊपर आ जाएगा sin 80, और लास्ट में आपके पास बचा हुआ है cos 80. सर समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी डॉक्टर शाइन, समझ में आ रहा? नहीं आ रहा? यस सर. हाँ जी बाकी को? यस सर. दोबारा से समझाऊंगा मैं. चलो दोबारा से समझाएंगे एक बार और. फिर आप क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो. तो ऊपर 2 sin a cos a sin 2 a, 80 का डबल 160, लेकिन नीचे 8 2 जा 16 आ गया, और नीचे sin 20 आ गया. क्या ये दोनों एंगल सप्लीमेंट्री हैं? 160 और 20? यस सर. किसी एक को चेंज कर लो. तो अगर आप चेंज करोगे, ये दोबारा से करेंगे, अगर आप चेंज करोगे तो sin 160 को sin 20 ही लिख सकते हैं. तो sin 20 से sin 20 कैंसिल, फाइनली 1/60. मतलब sin 160 क्या होता है? sin 160 होता है sin 180 minus 20. तो ये आ जाएगा sin 20. तो इस तरह से आपके पास 1/16 आएगा. दोबारा से देखो हमारे पास क्या था, थोड़ा सा आपके हिसाब से स्टेप लिखने पड़ेंगे. हमारे पास क्या था? हमारे पास था sin 10, और हमारे पास था sin 30, और हमारे पास था sin 50, और हमारे पास था sin 70. तो मैंने क्या किया है, मैंने sin 30 को तो as it is लिखा है, sin 10 को 90 minus 80 लिखा था, और 50 को 90 minus 40 लिखा था, और 70 को 90 minus 20 लिखा था. अब अपने साथ साथ देखते जाइए, आपके हिसाब से समझा रहा हूँ. तो sin 30 तो मेरे पास आ जाएगा 1/2, और sin 90 minus theta change हो जाएगा cos 80 में, और 90 minus 40 change हो जाएगा cos theta में, यानी कि cos 40 में 90 minus theta change हो जाएगा cos theta में cos 20. अब इसको चेंज करना है. हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? हमारे पास फॉर्मूला होता है sin 2a is equals to 2 sin a cos a. तो यहां हमारे पास cos है, sin नहीं है, तो इसको हम उल्टा कर रहे हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं. हमारे पास है cos 20, और फिर हमारे पास है cos 40, और फिर हमारे पास है cos 80. तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने पास से हम sin 20 लेके आ रहे हैं, और हम 2 भी लेके आ रहे हैं. तो अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया 2 sin a cos a. लेकिन अगर आप sin 20, 2 sin 20 लेके आए हो, तो आपने 2 sin 20 से मल्टीप्लाई किया है, तो 2 sin 20 से डिवाइड भी करो. तो अब आपके पास क्या आ गया, नीचे आपके पास आ गया 1/4, और 1/4 के साथ आपके पास sin 20 भी बैलेंस रहेगा, लेकिन आपके पास 2 sin a cos a. तो 2 sin a cos a क्या हो गया भाई? sin 2a. तो sin 2 का मतलब 2 × 20, तो ये हो गया sin 40, और हमारे पास पहले से ही cos 40 है और cos 80 है. तो
अब आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1/4 साइन 20 और आपके पास आ गया साइन 40 और आपके पास पहले से कॉस 40 है लेकिन आपके पास 2 नहीं है तो 2 से आपने मल्टीप्लाई किया और 2 से आपने डिवाइड किया और ये कॉस 80 एज इट इज। अब फिर बताओ 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाएगा, साइन 2a, साइन 2a तो आपके पास नीचे कितना हो गया 4 2 जा 8 तो नीचे हो गया 1/8 और साइन 20 अभी भी एक्स्ट्रा में है और 2 साइन ए कॉस ए साइन 2a हो जाएगा तो साइन 2 × 40 और कॉस 80 पहले से ही है तो अब ये क्या हो गया साइन 2 × 40 साइन 80 और ये क्या है आपके पास कॉस 80 लेकिन आपके पास 2 नहीं है तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड और ये आपके पास एज इट इज बचे हुए हैं 1/8 साइन 20। फिर बताओ 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2a, साइन 2a 80 का डबल क्या हो जाएगा 160 नीचे 8 2 जा क्या हो जाएगा 16 ऊपर आ गया साइन 160 नीचे आ गया साइन 20। साइन 20 को मैं 180 माइनस 160 लिख रहा हूँ तो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, क्वाड्रेंट सेकंड है पॉजिटिव होगा तो साइन 160 अपॉन साइन 160 कैंसिल हो जाएगा फाइनल आंसर इज व्हाट 1/16। कोशिश क्या कीजिए अगर एक क्वेश्चन को एक से ज्यादा तरीके से आप कर सके तो इससे आपकी जो नॉलेज है जो आपका एक तरह से प्रैक्टिस है वो इंक्रीज होगी, आप सोचने वाले बनोगे कि हाँ इसको ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं और इसी को कहते हैं कि भाई लॉजिक लगाना, अपना रीजन लगाना कि भाई एक आदमी एक डॉक्टर एक बीमारी का इलाज अलग तरीके से कर रहा है, दूसरा डॉक्टर उस बीमारी का इलाज दूसरे तरीके से कर रहा है, एक इंजीनियर एक चीज बना रहा है दूसरे तरीके से, दूसरा इंजीनियर बना रहा है दूसरे तरीके से, ये अपने अपने लॉजिक्स होते हैं, ये इसी तरह से यहीं से आपका वो मतलब एटीट्यूड डेवलप होता है कि मुझे किस तरह से अपने क्वेश्चन की अप्रोच करना है। चलो खैर अब हम आज करेंगे बहुत अच्छा सा पार्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन।